नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है सिविल प्लस आईटी टेक्नो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेफ्टी टैंक के बारे में। तो दोस्तों, व्हाई डू वी नीड अ सीवेज सिस्टम, हमें सीवेज सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ती है? जब भी हम टॉयलेट फ्लश करते हैं या वॉश करते हैं तो जो वेस्ट वाटर है वो सिंक होकर नीचे जाता है, इसके लिए हम सीवर बनाते हैं। काफ़ी लोग सोचते हैं या पूछते हैं कि इस वेस्ट वाटर को वो लोग क्यों नहीं घर के बाहर बहा सकते। दोस्तों, इसके कुछ कारण हैं जिसकी वजह से आप लोग इस वेस्ट वाटर को बहा नहीं सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अर्बन एरियाज में सीवर फैसिलिटीज होती हैं, लेकिन रूरल एरियाज में और गांव में ऐसा बहुत कम होता है, जिसकी वजह से लोग अपना खुद का सीवर सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, जिसे सेफ्टी टैंक कहा जाता है। दोस्तों, इंडिया में 70-60% पॉपुलेशन गांव में रहती है, जो कि सेफ्टी टैंक पर रिलाई करती है। सेफ्टी टैंक जनरली बनवाए जाते हैं स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, इंस्टीट्यूट्स और हाउसेस के लिए। सेफ्टी टैंक का आप प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक भी कह सकते हैं, जिसकी कैपेसिटी 60-70 होती है और डिजोल्व मैटर को बाहर निकालने की। टैंक का डिजाइन किया जाता है डायरेक्ट करंट को रोकने के लिए, जो कि इनलेट और आउटलेट के बीच होता है। यहाँ टी पाइप का यूज होता है स्कम को इकट्ठा होने से रोकने के लिए। मेन हॉल को लगाया जाता है इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस जैसे कामों के लिए। टॉप पार्ट ऑफ द टैंक को कवर किया जाता है आरसीसी स्लैब से। बेंड पाइप को होल गैस को रिलीज करने के लिए प्रयोग किया जाता है। डिजाइन के बारे में दोस्तों कहें तो सेफ्टी टैंक को जो कैपेसिटी है वो 6 मंथ से लेकर 3 साल की होती है। इसमें इनलेट और आउटलेट टीज का प्रयोग किया जाता है। रिटेंशन पीरियड इसका 12 से लेकर 16 घंटे और नॉर्मली हम इसे 24 घंटे का कह सकते हैं। सेफ्टी टैंक को बनाने के लिए जो हम फार्मूला यूज करते हैं वो है, सेफ्टी टैंक को बनाने के लिए जो इसकी लेंथ है वो 2 से 3 गुना ज़्यादा होनी चाहिए विड्थ के मुकाबले में। ठीक है दोस्तों, तो वर्किंग के लिए कहा जाए तो सीवेज एंटर्स थ्रू द इनलेट। इसमें 3 लेयर्स होती हैं दोस्तों। जो पहली लेयर है उसको स्कम कहते हैं, जो कि सबसे ऊपर होती है, और दोस्तों लास्ट लेयर को स्लज कहते हैं, जो कि सबसे हैवी मेटल होता है या पार्ट होता है इस सेफ्टी टैंक का, जिसमें स्लज है और उसमें कुछ हैवी कण पाए जाते हैं जो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो लास्ट वाली और जो इसके बीच की होती है उससे थोड़ा सा साफ पानी होता है, जिसमें जो दोनों लेयर के बीच पाई जाती है। इस लेयर में बैक्टीरिया और केमिकल जैसे कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस पाया जाता है, जो कि फर्टिलाइजर की तरह काम करता है। ऑर्गेनिक मैटर जो कि डाइजेस्टेड होता है बैक्टीरिया से, डाइजेस्टेड की वजह से जो स्लज जमा हो जाता है वो एनरोबिक डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया से बाहर निकाल दिया जाता है, जिसे स्लज डाइजेशन कहते हैं। दोस्तों, डिकम्पोजिशन की वजह से होल गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, जिसकी वजह से स्लज की मात्रा कम होती है, बायोडिग्रेडेबल ऑफ वाटर कम होता है। क्लीनिंग के प्रति आप जानते हैं, प्रिवेंशन इज द बेटर देन क्योर। सेफ्टी टैंक को रेगुलरली क्लीन करते रहना चाहिए, जिसकी वजह से क्लॉगिंग की समस्या नहीं आती। पंपिंग एक ऐसा उपाय है जिससे आप सेफ्टी टैंक को साफ कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स करती है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, अमाउंट ऑफ इनडाइजेस्टिबल सॉलिड्स एंड द एम्बिएंट टेम्परेचर। तो दोस्तों, इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। तो इसका जो एडवांटेज है वो इसका एडवांटेज है, इसका कंस्ट्रक्शन करना काफ़ी आसान है। इसमें मेंटेनेंस की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती अगर आप इसे रेगुलर अवधि पर इसकी सफाई करते रहें। इससे सॉलिड वेस्ट और बायोडिग्रेडेबल की फंक्शन
आसान हो जाती है डाइजेशन की वजह से। डाइजेशन की वजह से वॉल्यूम में 60 और वेट में 30% की कमी होती है। ये आइसोलेटेड और इंडिविजुअल कम्युनिटी के लिए सूटेबल है। दोस्तों इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जैसा कि आप जानते हैं हर एक चीज़ के एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी होते हैं। दोस्तों इसमें कुछ ऐसे एडवांटेज हैं, अगर एसटी अपना काम सही तरीके से नहीं करता है तो एफ्लुएंट काफ़ी फॉल और गहरा हो सकता है, डार्क हो सकता है या हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, गैसेस की लीक होने से जो दुर्गंध उत्पन्न होगी या वो पर्यावरण को पोल्यूशन की समस्या क्या हो सकती है, साथ में रहने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कत आ सकती है। लगातार सफाई करने पर वेस्ट को फेंकना पड़ता है जिससे टेडियस प्रॉब्लम की समस्या उत्पन्न होती है। तो दोस्तों आपको ये कार्य भी थोड़े सही तरीके से करना पड़ेगा कि आप उसको डिस्पोज भी कर रहे हो तो वो भी आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ करना है और कैसे करना है। तो दोस्तों ये मेरा सेफ्टी टैंक पे एक वीडियो है, मैं इसके एक एस्टिमेट भी बनाऊंगा, उसमें आपको दिखा दूंगा कि आप किस तरह से एस्टिमेट बना सकते हो और लेयर का उपयोग कर सकते हैं। तो उसकी एक जो क्वांटिटी होगी मैं उसमें सीमेंट सैंड भी निकाल दूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि मेरे आने वाले जो नेक्स्ट वीडियोज़ है वो आपको जितनी जल्दी हो सके मिल जाए। और इस वीडियो में अगर आपको कोई परेशानी है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करोगे दोस्तों तो आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। इस वीडियो को देखने के आप धन्यवाद। Thank you.